नमस्कार दोस्तों, दिस इज राहुल, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चैनल में डिस्कस किया हूँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस स्कीम में कैसे नाम अंतर्भुक्त करना होता है, क्या इसका क्राइटेरिया, क्या बेनिफिट है, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस बीमा के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों स्कीम में नाम एनरोलमेंट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो है आधार कार्ड और एक अकाउंट किसी भी बैंक में। अगर आपके पास आधार कार्ड है और किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप बैंक में जाइए, वहां से फॉर्म कलेक्ट कीजिए, फॉर्म आपके डिटेल्स, आपके नॉमिनी के डिटेल्स भर दीजिए, उसके साथ आधार कार्ड का जो कॉपी है वो अटैच करके बैंक में सबमिट कर दीजिए, आपका नाम एनरोलमेंट हो जाएगा। दोस्तों इस स्कीम में जो एज लिमिटेशन है वो है 18 से 50 साल, यानी कि अगर आपका एज 18 से 50 साल के भीतर होगा तभी आपका नाम एनरोलमेंट हो पाएगा। दोस्तों अगर आपका एज लेस देन 18 होता है या ग्रेटर देन 50 होता है तब आपका नाम एनरोलमेंट नहीं होगा। एज लिमिटेशन 18 से 50 साल है। और एक जो चीज है इस स्कीम में, जो प्रीमियम का जो वैल्यू है वो है साल में 330 रुपए और पॉलिसी वैल्यू जो है वो है 2 लाख। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बेसिकली एक टर्म प्लान है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर का किसी भी वजह से डेथ हो जाता है, कोई नॉर्मल डेथ हो जाता है, तो इसका जो पॉलिसी अमाउंट है वो मिलता है उसका नॉमिनी फैमिली मेंबर को। दोस्तों तो दोस्तों इसका प्रीमियम वैल्यू है साल में 330 रुपए और पॉलिसी अमाउंट है 2 लाख। दोस्तों अगर आपका एज 18 से 50 साल के भीतर होगा तब आप ये स्कीम में आपका नाम एनरोलमेंट कर पाएंगे। दोस्तों और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो है वो है एक्सीडेंटल स्कीम है। अगर पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट में डेथ होता है तभी उसका क्लेम जो है वो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अगर नॉर्मल डेथ होता है तो नहीं मिलता है। दोस्तों उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो है एक्सीडेंटल डेथ। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, इस रीजन की वजह से अगर डेथ हो जाएगा तभी मिलेगा, ये पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट में डेथ होता है या नॉर्मल डेथ होता है, किसी भी वजह से अगर डेथ हो जाता है 18 साल से 50 साल के भीतर जिस टाइम में ये प्रीमियम, ये जो पॉलिसी है वो एक्टिव रहता है, तो उसके फैमिली मेंबर नॉमिनी को पैसा मिलेगा, पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए, नॉर्मल डेथ होता है बिफोर 45 डेज, यानी कि पॉलिसी करने के 45 डेज के भीतर ही अगर किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसका जो पॉलिसी अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। दोस्तों पॉलिसी करने के 45 दिन के बाद अगर डेथ होता है तभी इसका पैसा मिलेगा, पॉलिसी का पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कैसे इस पॉलिसी में नाम एनरोलमेंट करना है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और एक जो इम्पोर्टेंट और एक वे है जैसे आपका नाम एनरोलमेंट हो सकता है, वैसे अगर आपके पास नेट बैंकिंग होता है तो आप नेट बैंकिंग से भी आपका नाम एनरोलमेंट कर सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो दोस्तों कैसे इसका क्लेम होता है, मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया है आफ्टर 45 डेज, तो कैसे इसका क्लेम होगा। दोस्तों क्लेम करने के लिए बैंक में जाना होता है, बैंक से एक क्लेम का फॉर्मेट है, फॉर्मेट कलेक्ट करने के बाद उसके साथ नॉमिनी का जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो है बैंक अकाउंट डिटेल्स और पॉलिसी होल्डर जो है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी है वो बैंक में सबमिट करना होता है और बैंक ये प्रोसेस करेगा और उसका जो क्लेम अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट जो है वो मिलेगा उसका नॉमिनी को। दोस्तों तो दोस्तों तरीका बहुत ही सिंपल है, आप बैंक में जा सकते हैं इजीली, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसमें आपका नाम एनरोलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम का वैल्यू भी बहुत ही कम है, 330 रुपए और इसका बदले मिल जाएगा 2 लाख रुपए। दोस्तों डेथ इज अनसर्टेन और ये अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए ये मतलब सस्ता सा स्कीम बना गया है आम पब्लिक के लिए। साल में 330 रुपए का कोई वैल्यू नहीं, बहुत ही कम है, उस कंपैरिजन में इसका जो क्लेम अमाउंट है, जो पॉलिसी का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों माय एडवाइस इज आप इस स्कीम में आपका नाम एनरोलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों तो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा, एज लिमिटेशन 18 से 50 साल,
आपका जो प्रीमियम वैल्यू है वो ₹330। और दोस्तों ये जो बीमा है ये जून से 31 मई तक, मतलब इसका वैलिडिटी है, उसके बाद फिर से रिन्यू होगा, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ₹330 कट जाएगा और बीमा रिन्यू हो जाएगा दोस्तों। तो एज लिमिटेशन याद रखिए, इसका प्रीमियम का वैल्यू जो है वो है ₹330, वो याद रखिए, 45 डेज को जरूर याद रखिए, और ऐसे करके आपका नाम भी एनरोलमेंट हो जाएगा। अगर किसी की किसी वजह से अगर डेथ हो जाता है तभी भी इसका क्लेम जो है वो भी सिंपल है, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए आपके रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ, वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और